नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के सीकर ज़िले में। इस पूरे इलाके में जो चुनावी अभी जो हमारा दौरा चल रहा है न्यूज़ क्लिक का, इस दौरान इस चूँकि सेखावटी के इस पूरे रीजन में मजबूत किसान आंदोलन रहा है, इसके साथ साथ ये वामपंथी आंदोलन का भी एक मजबूत गढ़ रहा है, जिसके नेता के तौर पर अमला राम जी रहे हैं और कई बार इन्होंने यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर किया है। तो इनकी पार्टी जो है 17 विधानसभा वो चुनाव भी लड़ रही है और कई बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। तो इस पूरे इलाके में और चुनावी राजनीति में CPM की जो भूमिका है वो और क्या जन मुद्दों को ये दोनों पार्टी से अलग उठा रहे हैं, इन पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमला राम जी, उनसे बातचीत करते हैं। अमला राम जी, आपका न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। आप किसान नेता भी रहे हैं और आंदोलनकारी भी हैं पहले से, और चुनावी राजनीति में भी दोनों जगह दोनों तरह से देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो ये जो चुनाव जो हो रहे हैं इस समय, किसान आंदोलन का पहला राजस्थान में बड़ा चुनाव कोई ऐसा होने जा रहा है, उपचुनाव कुछ हुए थे उसके अलावा, तो आपको क्या लग रहा है जो किसान आंदोलन की जो महत्व है, क्या इस चुनाव में उसका असर दिख रहा है, क्या उसकी बातचीत हो रही है, कहाँ से साथ चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं अभी? तय रूप से जो ऐतिहासिक आज़ादी के बाद जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ है, निश्चित रूप से इस चुनाव पे भी असर होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पंजाब हरियाणा की तरह उतना ग्रेविटी नहीं थी, लेकिन असर होगा और वो संघर्ष करने वालों के फेवर में ही होगा। और जिस दूसरा आप इस पूरे इलाकों को देखें सेखावटी रीजन में और हर सीकर और इसके आसपास के पूरे इलाके में, यहाँ उस किसान आंदोलन पहले से भी और मजबूत रहे, प्याज किसानों के लेके बड़े आंदोलन होते रहे या फसल बीमा क्लेम को लेके होते रहे, और उन आंदोलन को लड़ने में भी जो आपका संगठन अखिल भारतीय किसान सभा है और वो लोग रहे हैं, उसी आंदोलन कई नेता इस चुनाव में भी हैं, तो उनका असर कितना है? और इस चुनाव में आपका लगता है जो जमीनी मुद्दे जिसको आप उठा रहे हैं वो बाकियों से कैसे अलग है, जिस पे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं? तो बात है, राजस्थान में आम जनता, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित महिलाएं जो अत्याचार में राजस्थान देश में नंबर पा रहा है, उन समस्याओं को लेकर संघर्ष के मैदान में केवल लाल झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ही रही है, तो तय रूप से उसका बेनिफिट होगा। लेकिन पूरे राजस्थान में विकल्प के रूप में नहीं है, तो जो फायदा होना चाहिए ना राजनीति में वो नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर सीट पे ही हो जाता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी मतदाता की संख्या वो होती है जो सरकार के पक्ष में और सरकार के खिलाफ एंटी कैंपेन सी, तो वो बेनिफिट नहीं मिलता है, तो नेचुरली उसका। और फिर राजस्थान में जिस तरह से दोनों पार्टियाँ ही सांप्रदायिक और जातिवादी उपयोग करती है, अभी आप देखेंगे इस चुनाव से 1.5 महीने पहले तमाम जितनी जातियाँ उन सब के सम्मेलन हुए, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उन जातियों के नेता उस सम्मेलन में एक स्टेज पे मिलते हैं। मतलब जाति और धर्म का उपयोग जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ करती रही है, निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी तो उस तरह से कर नहीं पाती, न करने का कहीं दिमाग में रखती है, वो तो वर्गों की राजनीति करती है, किसान वर्ग की, मजदूर वर्ग की, कर्मचारी और विद्यार्थी, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान भी कम्युनिस्ट पार्टी को भी भोगना पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि किसान आंदोलन ही है जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए और देश के किसानों से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि देश की संसद ने बहुमत से उनको रिजेक्ट नहीं किया है, जनता के गुस्से के सामने भारतीय जनता पार्टी को काले कानून को वापस लेना पड़ा है। और ये वैसे ही है जैसे देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ वोट नहीं पड़े थे, लेकिन देश की जनता का अंग्रेज़ों के खिलाफ जो गुस्सा था उसको भांप कर देश को छोड़ के जाना पड़ा। उसी तरह से नरेंद्र मोदी को भी देश के किसान मजदूर की गुस्से को देखते हुए काले कानून वापस लेने पड़े। जैसे इस चुनाव में या बाकी चुनावों में देखते हैं हम, एक चीज़ जो बड़ी है, जो मेन मुख्य दो ही पार्टियां हैं राजस्थान के अंदर, कांग्रेस और भाजपा, उसके अलावा तीसरे ताकत के तौर पे लेफ्ट, BSP और अलग अलग निर्दलीय तौर पे लड़ते रहे, तो इनकी जो भूमिका है, खासकर वामपंथ की भूमिका इस पूरे चुनाव में, वामपंथी पार्टी की जो भूमिका है उसको आप कह, चूँकि 17 सीटों पर तो आपकी पार्टी लड़ रही है, उसके व्यापक, और चूंकि आप दोनों पार्टियों का विरोध कर रहे हैं इन सीटों पे, तो उसके अलावा जो राज्य की राजनीति है उसमें कैसे, और पूरी भूमिका, लेफ्ट की भूमिका इस चुनाव को मैं कैसे देख रहे हैं अपनी पार्टी के तौर पर, आप लोग क्या रणनीति है?
निश्चित रूप से लेफ्ट की क्रेडिबिलिटी है। आम मतदाता में यह है कि ये पूरे सिद्धांतिक रूप से और कमिटेड लोग हैं। बाकी तो आप देख रहे हैं कि वो तीसरे की बात कर लो, आप बीजेपी कांग्रेस की कर लो, इससे पिछले 25 दिन में दर्जनों कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए हैं और दर्जनों बीजेपी के लोग कांग्रेस में आए। मतलब शाम तक वो बीजेपी को गाड़ियां दे रहा था और रात को 10 बजे बीजेपी में शामिल भी हो गया और टिकट भी मिल गया। बीजेपी में थे जो तीन तीन दफे सांसद और विधायक रहे हैं, कर्नल सोनाराम, रात को कांग्रेस में शामिल हुए और वापस टिकट मिल गई। खरीद फरोख्त का भी उन्होंने बीएसपी के 6 जीते थे और 6 के 6 खरीदे गए। उसमें एक विधायक वो था जो फिर बसपा ने उसको टिकट दिया, वही राजेंद्र गुड्डा जो 6 पहले आए थे उनमें बेचने में सबसे अग्रणीय था कांग्रेस को, और अभी जो 2018 के चुनाव में वही उसी राजेंद्र गुड्डा को बसपा ने टिकट दिया था, अब कहा कि अब नहीं देंगे। तो हर पार्टी की वो उनसे ही निकले हुए हैं। मतलब जो आप कह दीजिए कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा लोग हैं, वो चाहे बसपा से ही निकले हुए, चाहे पहले किरोड़ी मीणा था, चाहे हनुमान बेनीवाल है, ये सब वही प्रोडक्ट हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इसका असर क्या चुनावों में कैसे देख रहे हैं? इस चुनाव को अगर आप देखें तो बाकी पार्टियों से आपके जो मुद्दे हैं कितने अलग हैं और क्या मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो राजस्थान 75 साल में 10-15 विधानसभा के चुनाव हैं, 10 दफ़े कांग्रेस की सरकार रही है और 5 दफ़े भारतीय जनता पार्टी की रही है। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में आज भी हजारों हजार गांव और कस्बे हैं जो पीने के पानी के लिए तरसते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। मतलब जितनी प्राकृतिक संपदाएं राजस्थान में है, देश के गिने चुने राज्यों में, अब आप देखिए सबसे बड़ा तो कच्चा तेल सबसे ज़्यादा 29 राज्यों में राजस्थान में निकलता है, लेकिन देश में सबसे महंगा, चाहे आज कांग्रेस की सरकार है चाहे आज से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान को मिलता है। और माफिया पैदा करने का काम किया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो खान माफिया हो। मतलब कांग्रेस के मंत्री रहे हुए और 5 बारी विधायक रहे हुए के 273 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार निरस्त करती है, आप अंदाजा कीजिए। ऐसे ही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी किसान को मारने के लिए बछड़े की बिक्री पे, ऊँट की बिक्री पे पाबंदी लगाती है और उसके बाद 3 दफ़े कांग्रेस आ गई, लेकिन किसान को मारने के लिए बीजेपी कानून बनाती है तो 3 दफ़े कांग्रेस की सरकार आने के बाद में भी उस कानून को निरस्त नहीं करती है। इसका मतलब दोनों मिलकर के इस राजस्थान की जनता को त्रस्त करने का और माफियाओं को पैदा करने का काम किया है। और यही मुद्दे रोजगार का हो, जो भी वायदा किया कांग्रेस ने, वायदा किया था 10 दिन में सभी किसान और गरीबों का कर्जा माफ, 10 दिन नहीं 5 साल हो गए, झूठे दूसरी बातें कर रहे हैं। ये गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी तुमने राजस्थान की जनता को 10 दिन में संपूर्ण कर्जा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर अब देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो तमाम काला धन ले आएंगे और 100 दिन में पूरा धन ला करके हर देशवासी के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। उसके बाद लोगों ने पूछा तो अमित शाह कहते ये तो जुमला था। मतलब लोगों को झूठे वायदे करके बीजेपी और कांग्रेस वोट लेती है और जीतने के बाद वो वायदे जुमला हो जाते हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस का भी ये जो गारंटी है ना, ये गारंटी वैसे ही जुमला है। लेकिन जैसे आपने कहा कर्जा माफ़ी वाला सवाल जो 10 दिन के अंदर होने की थी, लेकिन इस चुनाव में भी वो बड़ी जो अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रहे, जो हमने कई लाखों किसानों को बहुत सारे कर्ज माफ़ किए हैं, और लेकिन हम दूसरी तरफ हमने देखा जो पीछे समय भी आप लोगों का ये आंदोलन रहा है, जो किसानों की ज़मीन कुर्क हो रही थी उसके खिलाफ आंदोलन हुए, तो ये कैसे? और दूसरा जो ये गारंटियाँ अभी जैसे पीछे बीते दिनों बहुत सारी नई नई स्कीमें लॉन्च की रही जिसमें चिरंजीवी से लेकर अलग अलग योजनाओं में काम हो रहा है, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं धरातल पर? उसका असर कितना हो रहा है? उसका कुछ फ़ायदा है क्या? ऐसा है,
13 दिन का कर्जा माफी का आंदोलन हमने संघर्ष किया, 3 दिन का चक्का जाम, 31 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपया माफ़ करवाया था। जब तो ये कांग्रेस कह रही थी ये अमराराम ने कमजोरी दिखा दी वरना संपूर्ण कर्जा माफ हो सकता था। ये वसुंधरा समय की बात है, वसुंधरा के समय की बात है। हाँ, वसुंधरा के समय की बात है। अभी वही कोऑपरेटिव हुआ क्योंकि हमने जो माफ़ कराया और जिसमें ओल्ड ड्यू किसान का था उसको वापस उस सरकार ने नहीं दिया, तो बहुत से लाखों किसान तो उससे आउट हो गए कि दोबारा इन्होंने उसी कोऑपरेटिव का किया है। बाकी कॉमर्शियल बैंक का एक किसान का एक रुपया भी इस सरकार ने माफ़ नहीं किया, जबकि इन्होंने तो कहा था कि कोऑपरेटिव का नाम नहीं लिया था, सभी किसान गांव के गरीबों का संपूर्ण कर्जा गिनती गिन के कहा था, एक का नाम बता दें और वो वैसे ही हैं, ये गारंटियाँ वैसे ही हैं। वसुंधरा राजे ने जाते जाते राजस्थान सरकार की सड़कों से पर्सनल व्हीकल का टोल माफ़ किया था, गहलोत साहब ने आते ही लागू कर दिया। ये जो गारंटी दे रहे हैं 2 महीने दे दिया, यही गारंटी वो जीतने के बाद 6 महीने बाद देते तो बात समझ में आती है। मतलब 18 में चुनाव हुए, अगर वो 19 में ये गारंटियां देते तो बात समझ में आती है, वो जनता के लिए सोचते हैं। गारंटी कब दे रहे हैं? चुनाव से 2 महीने पहले। इसका मतलब केवल और केवल ये गारंटी वोट की गारंटी है, लेकिन ये जनता बेवकूफ़ नहीं है। धीरे धीरे इनके झूठे वादे पहले कांग्रेस करती रही, फिर भारतीय जनता पार्टी करती रही, तो धीरे धीरे जनता इस बात को समझ रही है। लेकिन बशर्ते विकल्प मिले, वो विकल्प की नहीं है। झूठ का कंपटीशन है, कोई 100 दिन की झूठ बोलता है तो ये 10 दिन की झूठ बोलते हैं, अब कोई 2 दिन की झूठ बोलने आ जाएगा। इसलिए जनता धीरे धीरे समझ रही है और ये करने का ही काम किया है। मतलब 75 साल की आज़ादी के बाद जब केरल शिक्षित हो सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं? इसके लिए दोषी कौन है? यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहती, जागरूक नहीं करना चाहती, लोगों को हक और अधिकार के लिए नहीं है, केवल वही धर्म और जाति के आधार पर जो हजारों साल से जो दिमाग में बटा हुआ उसका उपयोग करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे संघर्षों के माध्यम से सीखें। लेकिन वही आखिरी में एक सवाल, जैसे आप सिर्फ 17 सीटों पर लड़ रहे हैं और आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों पर तो आप लड़ नहीं रहे और आपके समाजवादी पार्टी अब उस तरह से गठबंधन आप लोगों का किसी से हुआ नहीं, तो अब बाकी जगह विकल्प की राजनीति क्या होगी? क्योंकि फिर तो इन्हीं दोनों में से कोई एक पार्टी आएगी और उसका फिर आप विकल्प दे नहीं पाते, क्या इसका नुकसान भी आपको अपनी सीटों पे होता है जैसे कि आपने पहले ही बताया, तो इस चुनावों में उससे निपटने के लिए या किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं या क्या आप लोगों की तैयारियाँ हैं या बातचीत हो रही है लोगों? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़के ही हम तो राजस्थान की विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन करते रहे, और इस चुनाव में मैं कह सकता हूं कि आज तक CPM का रिकॉर्ड जो भी रहा है चुनावी प्रतिनिधित्व का, वो सब रिकॉर्ड टूटेगा। इसलिए हमारे लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, सपा है, तो ये 4 पार्टियां, हमारा है कि जहां हम लड़ रहे हैं CPM, CPI, CPI माले और सपा लड़ रही है, वहां जो हमारे साथी हैं उनको दे, और बाकी जगह निश्चित रूप से इस देश में भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान, एकता, अखंडता, सब मूल्यों को नष्ट कर रही है, सब संस्थाओं का कर रही है, निश्चित रूप से उनको जो भी हराने वाला कैंडिडेट है उसको दे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये चुनाव होगा जिसमें न कांग्रेस को मेजोरिटी मिलेगी न भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिस तरह से वो जनता के मुद्दों के लिए लड़ने की बजाय कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, और वो टॉप पे है, चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी को लेके 5 साल तक कांग्रेस लड़ती रही, और ये पहली बार है भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद 80 के बाद कि बिगर चेहरे के, मोदी जी का चेहरा है, कमल का चेहरा है, तो मोदी जी तो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा दे करके राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं होंगे मोदी जी, तो ये केवल और केवल इसलिए है कि जो कुर्सी की राड और ऊपर से किया जा रहा है, मैं समझता हूँ राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अनएक्सपेक्टेड विधानसभा में मेजोरिटी दी है, बीजेपी को कभी नहीं आया था, 120 भी दी और 163 भी दी, कांग्रेस को कभी भी वो मेजोरिटी नहीं मिली थी, 98 में 156 भी दिया है, लेकिन उसके बाद
मेजोरिटी भी नहीं दिए। इसलिए जनता इनके झूठे वायदों में आती है, लेकिन बाद में जो झूठे निकलते हैं तो इनको सज़ा देने का ही काम करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अभी तीसरा विकल्प उस तरह से राजस्थान में नहीं है। तो ये इनडायरेक्टली जो कह रहे हैं, जहाँ बीजेपी को हराने की बात तो कांग्रेस ही है, तो इनडायरेक्टली आप कांग्रेस का यहाँ तो अपनी जगह विरोध करते हैं, फिर आपके समर्थकों में ये विरोधाभास नहीं जाता है क्या? एक जगह आप कांग्रेस सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, एक जगह कांग्रेस, अभी पूरी बातचीत में आप कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही बात करते जा रहे थे, फिर आप कह रहे हैं जहाँ बीजेपी को हराने वाली शक्ति है उसको वोट देना है वहाँ। कांग्रेस का क्या नाम लिया? तो ये तो बीजेपी को हरा रहा है, बीजेपी कौन हरा सकता है इस समय? 20-20 निर्दलीय जीते हैं, 20-20 कांग्रेस बीजेपी के अलावा जीते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी दुश्मन है इस देश की एकता, अखंडता, देश के संविधान, संवैधानिक संस्थाओं की हत्यारी है, तो निश्चित रूप से उसको जो भी हरा रहा है। इसलिए ये नहीं है कि केवल और केवल ये कांग्रेस ही खड़ी है सामने बीजेपी के, बहुत से लोग हैं निश्चित रूप से जो भी हैं, मैं कहता हूँ जो इनको हराता है, क्योंकि इन्होंने उत्तर अफ्रीका की घोड़ी है, 5 साल बीजेपी लूटती है तो कांग्रेस चुप रहती है, फिर कांग्रेस की बारी आती है, कांग्रेस लूटती है तो बीजेपी चुप रहती है। एक नहीं आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, मतलब सीपीएम का एक भी विधायक नहीं होते हुए 10,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करा सकती है, जब 73 विधायक 25 MP थे और इस वायदे को लागू नहीं करा पाए, इसका मतलब क्या है? केवल बयानों से संपूर्ण कर्जा माफ़ी की बात बीजेपी करती है। 13 दिन और 3 दिन का चक्का जाम करके राजस्थान की 163 की सरकार को झुका के किसानों का कर्जा माफ़ करा सकती है, तो 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा क्या बीजेपी इसको लड़ करके नहीं कर सकती? हम तो 13 महीने से लड़ रहे थे, काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे, और कांग्रेस जो बीजेपी से लड़ने की बात करती है, एक चेहरा नहीं है वहाँ, मतलब एक चेहरा भी ऐसा नहीं है जो उस आंदोलन में जो पड़ाव थे बोर्डरूम पे, जिसमें 13 महीने में 3 दिन भी कोई कांग्रेस का MLA या पूर्व MLA वहाँ सोया हो, तो किस तरह से लड़ रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस? मतलब यही चरित्र कांग्रेस का कि बीजेपी से लड़ने की बात करते हैं और बीजेपी के साथ रहने का काम करते हैं, और इसी से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है, और दुर्गति कांग्रेस की नहीं हुई है, जो कांग्रेस के साथ बैठा उसकी भी वही दुर्गति हुई है, क्योंकि काले के पास बैठेगा तो काड़ूस लगेगी। तो ये कांग्रेस की नीतियों के कारण कांग्रेस का ये हाल हुआ है। बिल्कुल, आखिरी में इस चुनाव से क्या उम्मीद है आपकी और आपकी पार्टी की? उम्मीद ये है कि जो संघर्ष में जो विश्वास आम जनता का किसान मजदूर में बढ़ा है, नौजवान में जो सबसे बड़ी बेरोजगारी राजस्थान में है, वो संघर्षों का बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा आने वाले 5 साल में। जो परिदृश्य राजस्थान में बदला है और देश में भी बदला है, और विशेष तौर से हिंदी भाषी में, जहां भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकने में सफल हुई है, मैं समझता हूं उसके खिलाफ जो आंदोलन का आगाज किसान आंदोलन ऐतिहासिक से हुआ है, और उन नीतियों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आर्थिक नीतियों पर वही नीति है जिससे असंतोष समाज के हर वर्ग में, इवन व्यापारी तक भी संतोष है, और वो आंदोलन के रूप में आने वाले समय में होगा। और मैं समझता हूँ CPM की जो प्रतिनिधित्व में रिकॉर्ड तोड़ के जो जाएगा, तो राजस्थान में उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं समझता हूँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ जब बदलेगी, जब जनता न केवल सरकार बदलने का बल्कि व्यवस्था बदलने का जो संघर्ष है, मैं समझता हूँ वो आगे बढ़ेगा। इतने बिजी शेड्यूल में हमको समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।